शॉप पे हम मौजूद हैं। यहाँ पे मेरे साथ दो टूरिस्ट हजरात हैं जो कि कश्मीर के रेजिडेंट हैं और ये यहाँ के लोकल हैं, तो इनसे भी मैं पूछता हूँ कि इनकी क्या एक्साइटमेंट, क्या फीलिंग है, तो इनसे मैं जानने की कोशिश करता हूँ। सर्दियों में तो बहुत मुश्किल है इधर, आप मतलब इधर आए आप कैंपिंग नहीं करते। ज़्यादातर इंसान डिप्रेशन का शिकार है। सर मैं आपकी बात काट रहा हूँ, यहाँ पे डिप्रेशन लेवल आप कह रहे हैं कि कम हो जाती है, मेरी तो ख़त्म हो गई, जीरो हो गई है जी, ख़त्म हो गई है जी। अस्सलाम वालेकुम, दिस इज शेर खान फ्रॉम GSK एडवेंचर एंड यू आर वॉचिंग GSK एडवेंचर। नीचे ये दरख्त ज़रा दिखाएं, तो यकीन करें कि मैं ये बताना चाहता हूँ कि यहाँ पे आप जब आएंगे और ऐसे जंगल आप देखेंगे और इस जंगलों के अंदर आपको हर किस्म के जानवर और यहाँ पे ख़ासकर बकरवाल कम्युनिटी। इस वक्त हम मौजूद हैं कश्मीर के एक ऐसे खूबसूरत टूरिस्ट स्पॉट पे जिसकी सिर्फ हाइट नहीं है, सिर्फ साइट सीन नहीं है, बल्कि अमेजिंग ब्यूटी ऑफ नेचर। यहाँ पे जब भी आप आएंगे तो यकीन करें आप इतना रिलैक्स और पुरसकून महसूस करेंगे। जिनकी वीडियो हमने ऑलमोस्ट अपलोड की है तो वो भी आप देख सकते हैं। बकरवाल कम्युनिटी के साथ भी हमने ट्रैवल किए और उसमें ये बेनिफिट आपको मिलता है कि आपको जो ट्रैक है वो आपको मालूम हो जाता है। और आप और बने हमने शेतवानों में बिस्मिल्लाह, हम यहाँ के मुकामी लोग हैं माशाल्लाह। गंगा चोटी एक कश्मीर की हसीन तरीन सरगाह है, तो इधर आप आए हैं माशाल्लाह, जो है ना काफ़ी दूर से आए हैं, हम आपको सबसे पहले वेलकम कहते हैं। बहुत शुक्रिया। भी आए हुए और उसके बैक साइड पे मैं आपको बताऊं तो उस साइड पे काफ़ी मेडोज बने हुए और आपको पता चलता है कि कौन से टॉप पे, कौन से स्पॉट पे कैसे जाना है। ये सारी इंफॉर्मेशन आपको जिसके एडवेंचर चैनल पे मिल जाएगी। और यहाँ पे नीचे अभी भी ये पेड़ हमें देखने को मिले बकरवाल कम्युनिटी, क्योंकि आप जितने भी आपके डिप्रेशन है, जितने भी आपकी एंजाइटी है, वो सारी आपकी क्लियर हो जाएगी। गंगा चोटी के हवाले से मैं आपको फर्दर बताना चाहता हूँ कि इसकी जो हाइट है वो 10,000 फ्रॉम सी लेवल। और यहाँ पे आने के लिए आप सबसे पहले रावलपिंडी, रावलपिंडी से बाग आज़ाद कश्मीर और बाग आज़ाद कश्मीर से आप 30 से 40 मिनट के मुसाफियत पे आप गंगा चोटी पहुँच जाते हैं। और यहाँ पे पहुँच के आपको ऐसे कुदरत के हसीन नज़ारे आपको देखने को मिलेंगे कि आप हैरान रह जाएंगे। ये व्यू चेक करें, इस साइड पर ज़रा जूम करें, थोड़ा सा मेरा कैमरामैन आगे आ जाए, तो ये नीचे आप व्यू चेक करें, ये बादलों का हसीन मंज़र। और इसके साथ साथ उस साइड पे जहाँ से हम आए हैं वहाँ पे अगर आप और उस मेडोज़ को अगर आप देखना चाहते हैं तो आप इस टॉप से थोड़ा सा नीचे जाएंगे तो वहाँ पे आपको बहुत सारे मेडोज़ देखने को मिलेंगे। और इसके अलावा अगर आप इस टॉप पे पहुँचना चाहते हैं और आप यहाँ पर तशरीफ लाना चाहते हैं, अगर आपकी स्टेमिना अच्छी है तो आप ट्रैकिंग भी कर सकते हैं, आप पैदल भी यहाँ पर आ सकते हैं। और अगर आप नहीं आ सकते हैं तो इसके अलावा आपके पास दूसरा ऑप्शन ये है कि आप घोड़े को यूज़ करके आप यहाँ पे आ सकते हैं। घुड़सवारी की फैसिलिटी यहाँ पे मौजूद है, फैमिलीज़, बच्चे, बूढ़े जो कि नहीं आ सकते, जिनकी स्टेमिना नहीं है, वो यहाँ पे आने के लिए घोड़े का इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन आप यहाँ पर जब आते हैं तो थोड़ा सा आपको नीचे उतारते हैं, लेकिन ये हसीन नज़ारे देखने के लिए बहुत सारे लोग यहाँ पर आ जाते हैं। और इसके साथ साथ आपको मैं ये भी बताऊं कि यहाँ पे जो मौसम है ये 29 जून है आज, 29 जून 2024,
और आज का जो ये मौसम मैं देख रहा हूँ, जो मैं फील कर रहा हूँ, यकीन करें अनबिलीवेबल। और अभी भी टेम्परेचर इतनी डाउन है कि हमने यहाँ पे काफ़ी सारे लोग देखे जिन्होंने चादरें भी लगाई थी और जिन्होंने डबल डबल शर्ट्स लगाए थे। तो यहाँ पे अभी भी मौसम काफ़ी अच्छा है। और ये चेक करें ज़रा, ये बादलों का ये मंज़र ज़रा चेक करें। और इस साइड पे ये गंगा चोटी टॉप पे आप आए हुए 10,000 फीट हाइट पे, क्या फीलिंग है? तकरीबन हम जब पाकिस्तान जाते हैं तो उससे बेटर फील करते हैं, क्योंकि उधर जिस मौसम में जाएं हम, थोड़ी उधर गर्मी भी ज़्यादा होती है, इधर जब आप आएंगे तो आपको इतनी गर्मी फील नहीं होगी। तो लेकिन आप जब सर्दी में यहाँ पे आते हैं, यहाँ पर बहुत मुश्किल होता है, ये टॉप पे आप नहीं आ सकते, सर्दी में बहुत मुश्किल होता है। यहाँ पे कितनी बर्फ़ होती है सर्दियों में इस टॉप पे? टॉप पे तकरीबन इधर 10 फीट तक चली जाती है अगर, तो ठीक है अच्छा। तकरीबन वो नीचे तक आ सकते हैं, टॉप पे तकरीबन मुश्किल ही है। टॉप पे 10 फीट की तकरीबन होती है, 10 से 12 फीट तक, तो आना बहुत मुश्किल होता है। इधर टॉप पे कोई नहीं आ सकता, जहाँ पे हम खड़े हैं ये तकरीबन टॉप पे लगा ही है। यह है कि यहाँ बहुत अच्छा मौसम रहता है हमेशा, गर्मियों में आप आएँ तो गर्मियों में भी माशाल्लाह मौसम जो है ना दर्जा उधर तो मुतदिल रहता है, अच्छा रहता है। इधर बहुत इंसान जब आता है तो अपने आप को फ्रेश और बहुत अच्छा फील करता है। इससे ये फ़ायदा होता है कि इंसान का जो डिप्रेशन लेवल है वो काफ़ी जो है ना कम हो जाता है इंसान, क्योंकि आपको पता है आपकी आज की जो लाइफ है वो ज़्यादातर इंसान डिप्रेशन का शिकार है। सर मैं आपकी बात काट रहा हूँ यहाँ पे, डिप्रेशन लेवल आप कह रहे हैं कि कम हो जाती है, मेरी तो ख़त्म हो गई, ज़ीरो हो गई है जी, ख़त्म हो गई है जी, कंटिन्यू। तो बाकी ये है कि माशाल्लाह इधर सर्दियों में भी काफ़ी सर्दी पड़ती है, टॉप पर तो इंसान नहीं पहुंच सकता क्योंकि इधर बहुत मतलब के सर्दी हाई लेवल तक पहुंच जाती है, तो माशाल्लाह बहुत अच्छी जगह है। इसलिए क्या मैसेज है आप दोनों की तरफ से कि जो दूर दराज से यहाँ पे आते हैं तो इनकी फैसिलिटी यहाँ पे कैसी है और वो कैसे सर्वाइव कर सकते हैं, और आपकी तरफ से क्या मैसेज है? यार मैं पाकिस्तान के तरह बस हम कश्मीरी हैं, ठीक है, हमारे लिए कोई फैसिलिटी कोई ऐसा निज़ाम नहीं है कि जैसे हम कहेंगे हम बहुत खुश हैं, हमारे लिए फैसिलिटीज हैं। पाकिस्तान हमें दे सकते हैं, हमारा बड़ा भाई है, ठीक है, पाकिस्तान को हम बड़ा भाई समझते हैं, अब हमसे अलहदा भी नहीं, माँ नहीं समझते, माँ भी है बाप भी है, अच्छा माँ ठीक है, वो हमारे बड़े भाई हैं, ठीक है, अब उनसे हम अलग नहीं हो सकते। पाकिस्तान जिंदाबाद, कश्मीर जिंदाबाद जी, बहुत शुक्रिया जी। तो मैं सबको ये मैसेज देना चाहता हूँ कि जितने भी टूरिस्ट हज़रात हैं जो मरी जाते हैं, जो केपीके के डिफरेंट सिटी में जाते हैं, डिफरेंट स्पॉट पे जाते हैं, वो एक दफ़ा यहाँ पे भी तशरीफ़ लाए और गंगा चोटी को एक्सप्लोर करें और इस हसीन और जन्नत नज़ीर वादी जिसको इनक्रेडिबल कश्मीर कहते हैं, अ पीस ऑफ पैराडाइज कहते हैं, इसको एक्सप्लोर करें एंड extend your life. Thank you so much. Allah Hafiz.